यार एक छोटा सा इंटरव्यू दे दो। देखो आप आए हो, काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ठीक है ना, तो उनके लिए कुछ राय दे दो, कोई इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि वो लोग भी कुछ कमा सकें अगर फारग बैठे हुए हैं तो। क्यों नहीं किसी का भला करते? हाँ देख रहे हैं भाई, मसला पता है क्या है, जो काम में आ जाता है ना ड्यूटी में, वो फिर बताता नहीं किसी को कुछ भी, मुंह से कुछ भी बोलना नहीं चाहता वो बंदा। ये बंदा एक नया है, ये भी ड्यूटी का काम कर रहा है, अभी तक 4 महीने हुए पाकिस्तान से नया आया ये। अगर बोलूँ कोई इंटरव्यू दे दो किसी से, किसी को कोई मालूम दे दो, तो नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना। मैंने इंटरव्यू दूंगा पर फुर्सत से अभी अभी यहाँ से। चलो मैं कोई बात नहीं, इंतजार कर लेता हूँ। उस साइड से बैठो, उस साइड से बैठो। अच्छा ज़रा चंद एक सवाल आते हैं आपसे। आपका नाम क्या है? अरबाज। थोड़ा ऊँचा बोलेंगे। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? मुझे तकरीबन 4-5 माह हो गए। 4-5 माह हो गए, ठीक है। और आते हुए क्या काम किया आपने? आते हुए डिलीवरी का काम ही आए थे। डिलीवरी काम में आए थे। पाकिस्तान में क्या कर रहे थे आप? पाकिस्तान में फ्री होते थे, कुछ भी नहीं। फ्री होते थे। अच्छा तो अभी 4 महीने हो गए आपको, है ना? अच्छा तो कितने का वीज़ा लिया आपने? 12,000 का। और सालाना कितने देने हैं? सालाना 6,000, 5-6,000। ठीक है। मैंने क्या है? मैंने आमिर और तनाजिल। आमिर और तनाजिल, तंजील और तंजील और तकमील शायद। अनलोडिंग अनलोडिंग वाला होता है। लोडिंग अनलोडिंग वाला। अच्छा तो कब से काम शुरू किया डिलीवरी का आपने? डिलीवरी का काम शुरू किया मैंने तकरीबन, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, 3-3.5 महीने हो गए। 3-3.5 महीने हो गए। अपनी बाइक कब ली आपने? अपनी बाइक मैंने एक ली थी, वो तो चोरी हो गई। फिर इसके बाद चोरी होगी बाइक? एक चोरी हो गई। अच्छा वो कितने की ली थी? वो ली थी 3,000 की। अच्छा और कहाँ से चोरी हुई? घर के पास से, जहाँ रिहाइश थी हमारी वहाँ हुई थी चोरी। तो ताला वगैरह नहीं लगा के रखते थे आप? ताला लगा के रखते थे, वो इतनी बड़ी बड़ी खींचे लेके घूमते साथ में। अच्छा तो वो पैसे कहाँ से लिए थे आपने? वो पैसे मेरा एक दोस्त है, बहुत ही करीबी, दिल के बहुत करीब, उन्होंने दिए थे। ओहो तो फिर आपने उधार पकड़ा था वो? हाँ उधार लिया। अगर आपके कोई करीबी हैं ऐसे जान पहचान वाले या वो, तब आप लेकर आए, नहीं तो पाकिस्तान से ही अपना बंदोबस्त करके आए। बंदोबस्त कितना बंदोबस्त करके आए? बंदोबस्त मतलब वीज़े के बाद तकरीबन आपको चाहिए यहाँ पर 5,000 रियाल तक चाहिए। 5,000 रियाल तक वीज़े के बाद? वीज़े के सारे खर्चे के बाद 5,000 रियाल तक आपको चाहिए यहाँ पर। अच्छा तो कैसा काम है डिलीवरी का? काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। तो शुरू शुरू में कितनी दिहाड़ी लग रही थी आपकी? शुरू में देखे, सच बोलना है, देखने वाले शुरू शुरू में मेरी दिहाड़ी लगती थी तकरीबन 100 रियाल, जब नया नया आया था तब 80 रियाल, 60 रियाल, पता नहीं कितने घंटे काम करते थे तब। तब मैं 6-7 घंटे रात के काम करता था। अच्छा 6-7 घंटे रात में। और पेट्रोल कितना लग जाता था? पेट्रोल यहाँ पर पानी से, यहाँ पर पानी महंगा है पीने वाला, पेट्रोल सस्ता है। पेट्रोल सस्ता है तकरीबन। पेट्रोल कितने का लग जाता था? तकरीबन पेट्रोल लग जाता था 5 रियाल 6 रियाल का। 5 रियाल 6 रियाल का पेट्रोल। और 100 रियाल का मात्र आप उसमें? तकरीबन 100 रियाल। अच्छा तो वीज़े के पैसे आपने उतार दिए? वीज़े के पैसे मैंने उतार दिए चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिहाइश का कितना कराया आपका? रिहाइश अगर आपके साथ बंदे ज़्यादा हैं तो तकरीबन 6 महीनों का 1500-1600 रियाल। अच्छा 6 महीने का 1500-1600 रियाल, पानी बिजली बीच में या अलग? ना ना अलग। खाने का खर्चा कितने का आ जाता है? खाने का खर्चा तकरीबन आप ये लगा लें कि 20-30 रियाल दिन का आ जाता है आपका। 20-30 रियाल दिन का। क्या खाते क्या उसमें? अच्छे से अच्छा खाते हैं, जो अच्छा मतलब अरबी ना अफोर्ड कर पाए वो आप खा सकते हैं। अच्छा हाँ। तो इसमें कोई रोक टोक तो नहीं है? कोई पूछता नहीं पुलिस वाला कोई ये वो? नहीं अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन लोगों से नहीं। तो कंपनी में आकर डिलीवरी करना बेहतर है या आज़ाद के लिए? ना आज़ाद वीज़े पर, आज़ाद जो भी आए मेरा यही मशवरा है कि आज़ाद वीज़े पर आएँ। आज़ाद वीज़े पर आएँ, कंपनी में नहीं आए? कंपनी पर ना आए। अच्छा तो कंपनी वाले क्यों ना आए कंपनी में, वजह क्या? कंपनी पे यूँ ना आए क्योंकि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं किसी तकलीफ में कुछ भी है, आपको उनकी डिलीवरियाँ पूरी करनी पड़ेंगी जो भी हो, जिस हालत में भी हो। अच्छा कर्फ्यू लगा हुआ है, चाहे आप करने की हालत में है या नहीं है। अच्छा करनी पड़ेंगी आपको, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। और आज़ाद में क्या है? आज़ाद में तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जाना है जाओ, नहीं जाना है बैठे रहो लेटे रहो, जो आपका दिल करे वो करो। आज़ाद बेहतर है। जो आने वाले क्या रिकमेंड करेंगे? कंपनी आज़ाद वीज़े पर आए हैं, लेकिन जो आ रहे उनके पास इतने पैसे नहीं होते 5-6 लाख रुपये वीज़े के लिए, तो वो क्या करें फिर? कंपनी तो जा रहे 2-3 लाख में वीज़ा दे रही होती है। कंपनी 2-3 लाख में वीज़ा दे रही होती है, वो आपसे अच्छे से अच्छा फ़ायदा ले रही होती है कंपनी। आप अगर कंपनी में रहते हैं तो अपने आप वैसे ही अपना टाइम ज़ाया करेंगे। अच्छा अगर आप छुट्टी जाना चाहें पाकिस्तान तो कोई पाबंदी है जब दिल से जा सकते हैं? अभी अगर जाना चाहूँ मैं कल परसों जा सकता हूँ, मैं जब चाहूँ मेरा दिल करे छुट्टी लगा के पाकिस्तान जा सकता हूँ। और कंपनी वाले? कंपनी वाले तो उनका अपना टाइम लिमिट पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकते हैं। अच्छा
और अगर आपको ऑफर कोई दे 5,000 तनख्वाह देते हैं आप कंपनी में लग जाए क्या करेंगे आप? 5,800 मुझे पहले ही ऑफर हुई थी जब मेरे पास बाइक नहीं थी, उन्होंने कहा कि 5,800 हम आपको सैलरी देंगे और बाइक की भी लेके देंगे, उस बाइक के पैसे आप ऐसे ऐसे उतारिएगा। करना क्या था भाई? यही डिलीवरी करनी थी। तनख्वाह कितनी ले रहे थे आपको? 5,800 ऑफर दी उन्होंने। ऑफर दी उन्होंने। बाइक उनकी थी? बाइक वो लेके देंगे, बाइक के पैसे मैंने उतारने थे, मतलब बाइक मेरी। और नेट और जो रियायत थी? रियायत सब कुछ अपना था। 5,800 तनख्वाह दे, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 लाख रुपए बनते हैं तकरीबन। और वीजे मतलब बोल रहे थे आपके अकामा भी हम लगवा के देंगे, इस साल का आपने लगवा दिया कोई मुश्किल नहीं है, आगे अगले साल जो भी होगा वो हम लगवा के देंगे। अच्छा, अकामा भी आपको लगवा के देंगे अगले साल, मतलब अगले साल का। अच्छा, तो आपने ऑफर ठुकरा दी क्योंकि फ़ायदा नहीं है। 5,800 में अगर खुद काम करूँ तो मैं इससे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह निकाल सकता हूँ। अच्छा, तो वो कितने ऑर्डर बोल रहे थे रोज़ करने? वो तकरीबन मुझे तो 15 ऑर्डर बोल रहे थे, 15 ऑर्डर के ऊपर जो भी होगा फिर वो मैं अपने लिए कमा सकता हूँ, लेकिन 15 ऑर्डर फिर काम की सूरत ये होती है कि कभी कभी आप 10 ऑर्डर भी पूरे नहीं लगा सकते। अच्छा, कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। तो अभी काम कैसा है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक है, रमज़ान में थोड़ा सा काम डाउन हुआ पड़ा और बाकी काम ठीक है। एवरेज क्या निकला थी महीने की? एवरेज मेरी जो निकल आती है तकरीबन 6,000 में। और जो दूसरे बंदे हैं पुराने बंदे वो तो शायद अच्छे से अच्छा, यहाँ पर कोई बताता नहीं है किसी को। अच्छा, तो भाई यही तो बात, बताता कोई नहीं है। बताता कोई नहीं है। क्या बोलते हैं, रो के दिखाते या क्या करते हैं ये? मतलब क्या करते हैं, क्यों नहीं बताते, वजह क्या है यार? हर किसी की अपना अपना सोच, क्या हर किसी की अपना अपना सोच, क्यों नहीं बताते, क्या क्या वजह है, क्यों नहीं बताना चाहते? अच्छा, तो यानी आप आज़ाद में बेहतर हैं कंपनी में नहीं? आज़ाद में बेहतर है, आज़ाद में बहुत बेहतर। तो पाकिस्तान में रह के बंदा कमा सकता है इतना कि नहीं? पाकिस्तान में जिस अभी जो कंडीशन चल रही है पाकिस्तान में, अब 100 रुपये भी आपको कोई दे तो बहुत बड़ी बात। तो जो नए आने वाले हैं, जो आना चाहते हैं सऊदी में, क्या रिकमेंड करेंगे, सऊदी आए या किसी और मुल्क जाएँ? सऊदी आए, वाकई में सऊदी आना चाहिए आपको, आपको पता लगना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं, किस तरह होता है। नहीं मतलब समझा नहीं मैं, क्या मतलब क्या हो रहा है? अगर लाइफ जीने का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उनको मज़ा आना चाहिए ना, तो फिर आना चाहिए। अच्छा, फिर आना चाहिए, आना चाहिए फिर। तो यानी आप आके खुश हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ। तो पाकिस्तान में क्या कमा रहे थे? मैं बता तो रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। पाकिस्तान में क्या कमा रहे थे? पाकिस्तान में मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, पाकिस्तान में फ्री होता था। यानी यहाँ आप 3-3.5 लाख रुपये महीने का भी निकाल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। जो आने वाले हैं उनके लिए कोई टिप आप एडवाइस देना चाहें तो? एडवाइस आप यही है कि अपना बंदोबस्त करें, मैंने आपको बता दिया तकरीबन वीज़े के अलावा 4-5 हज़ार का बंदोबस्त करके आया, अगर आपका यहाँ कोई नहीं है तो। अच्छा, अगर कोई है तो वो आपको मतलब अफोर्ड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं है तो मेरे भाई अपना बंदोबस्त खुद करके आए। क्योंकि खुद मतलब कैसे करे, जो बंदा पाकिस्तान से आ रहा है वो कैसे बंदोबस्त करके आएगा? जैसे जब वो वीज़े के लिए किसी से उधार है वो ले सकता है, तो 5,000 रियाल मजीद और भी ले ले। किस चीज़ के? मतलब बाइक के, रियायत के लिए। और भी यहाँ, और अगर बाइक चोरी हो जाए दोबारा तो? बस बाइक चोरी हो जाए फिर आप बैठे रहे किसी के, बाइक चोरी हो जाए, बाइक का इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं तो फिर चोरी हो जाए इंश्योरेंस वाले आपको पे करेंगे, मतलब या तो किसी बाइक लेके देंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, लाइसेंस पर भी आपका एक्सपेंस आएगा तकरीबन 1,000-1,200 रियाल तक। अच्छा, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूं दोस्तों को दिखाने के लिए, आपको इतराज तो नहीं है? ना अपलोड कर दें, अपलोड बेहतर यही होगा अगर आप मेरा चेहरा ब्लर कर दें तो। आप दिल से कहेंगे अपलोड कर दूं? मैं आपको कंडीशन बता देना कि अगर बेहतर यही है कि अगर आप चेहरा ब्लर कर दें तो बहुत ही। मैं कोशिश करूंगा ब्लर करने की, कोई भले थंबनेल पर लगा दें, कोई ब्लर कर दे तो। इतराज तो नहीं आपको? नहीं, मुझे क्या इतराज होना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।